Hello students, welcome to Shanukitan CAC classes. In this video we will see programmed IO, which is one of the modes of transfers. Programmed IO क्या होता है और ये किस तरीके से work करता है हम इस video में देखेंगे. तो सबसे पहले programmed IO generally कब use होता है, जब CPU और IO के बीच में अगर हमें transfer करना है data, तो इन दोनों के बीच अगर programs के through, instructions के through कुछ अगर हम data transfer कर रहे हैं, then वो आता है प्रोग्राम डाइवो कैटेगरी में. सो वी कैन से प्रोग्राम डाइवो ऑपरेशंस आर रिजल्ट ऑफ आईओ इंस्ट्रक्शंस, ओके, रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स. सो कंप्यूटर प्रोग्राम्स में जो हम इन आउट इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, लाइक सी प्लस प्लस में सी इन सी आउट इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, या प्रिंट कराने के लिए कुछ हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो उस तरह के इंस्ट्रक्शंस आते हैं आईओ इंस्ट्रक्शंस. सो जो प्रोग्राम के थ्रू जनरेट होते हैं इंस्ट्रक्शन और उसकी वजह से जो डेटा ट्रांसफर होता है वो जनरली प्रोग्राम डाइवो ऑपरेशंस में आता है. नाउ जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ईच डेटा ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय एन आईओ इंस्ट्रक्शन. जो भी डेटा ट्रांसफर या इनिशिएट हो रहा है वो आईओ इंस्ट्रक्शन मींस इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही इनिशिएट होता है, जो कि प्रोग्राम्स में लिखे होते हैं. क्यों? ताकि हम सीपीयू के रजिस्टर्स को, मेमोरी को या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रजिस्टर्स को एक्सेस कर सके और उन दोनों के बीच में आपस में डेटा को ट्रांसफर कर सके. ट्रांसफरिंग डेटा अंडर प्रोग्राम कंट्रोल रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ आईओ डिवाइसेस बाय द सीपीयू. नाउ अब होता क्या है प्रोग्राम डाइवो में, जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर, इसमें वी रिक्वायर कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द आईओ डिवाइसेस बाय द सीपीयू. जब भी सीपीयू डेटा ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट करता है आईओ डिवाइसेस से, तो प्रोग्राम्ड आईओ में सीपीयू को कंटिन्यूसली आईओ डिवाइसेस को मॉनिटर करना पड़ता है कि जब आईओ डिवाइसेस रेडी होंगे तब वो डेटा ट्रांसफर करेगा. ये एक एग्जांपल है प्रोग्राम्ड आईओ फॉर इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर. प्रोग्राम्ड आईओ कैसे परफॉर्म होता है इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं. सीपीयू ने सपोज सबसे पहले सेंड किया रीड रिक्वेस्ट टू द आईओ डिवाइस की वो आईओ डिवाइसेस में से कुछ डेटा रीड करना चाहता है. तो सीपीयू सेंड्स अ रीड रिक्वेस्ट टू आईओ डिवाइस. रीड रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद सीपीयू वेट करेगा आईओ डिवाइस के लिए कि वो रेडी हो जाए तो उसे डेटा ट्रांसफर करे. अब वो कब रेडी होगा ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हर आईओ डिवाइस का अपना इंटरफेस होता है और हर इंटरफेस यूनिट में स्टेटस रजिस्टर होता है. तो उस स्टेटस रजिस्टर का बिट को कंटिन्यूसली सीपीयू चेक करता रहता है. जैसे ही वो बिट सेट होता है उसके बाद ये समझ में आ जाता है सीपीयू को कि आईओ डिवाइस रेडी हो गया. बट अगर वो रेडी नहीं है तो इट मींस क्या करेगा, सीपीयू कंटिन्यूसली वेट करता रहेगा आईओ डिवाइस के लिए कि जैसे ही वो रेडी हो जाए तो मैं उसे डेटा सेंड करूं. इस कंटिन्यूस वेटिंग को हम कहते हैं पोलिंग. ठीक है, तो सीपीयू कंटिन्यूसली चेक कर रहा आईओ डिवाइसेस को कि वो रेडी हो जाए. जैसे ही वो इंडिकेशन मिलता है कि आईओ डिवाइसेस रेडी हो गए हैं, देन सीपीयू डेटा ट्रांसफर परफॉर्म करता है. नाउ सपोज ये रेडी हो गया, रेडी होने के बाद देन सीपीयू रीड करेगा वर्ड फ्रॉम द डिवाइस. जो भी डेटा उसे रीड करना है आईओ डिवाइस से रीड करेगा. रीड करने के बाद सीपीयू राइट करेगा मेन मेमोरी में उस वर्ड को, और मेन मेमोरी में राइट करने के बाद अगर कंप्लीट हो गया डेटा ट्रांसफर तो यस, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा सीपीयू. अगर नहीं हुआ है देन अगेन रीड करेगा आईओ डिवाइस में से डेटा, देन मेमोरी में राइट करेगा. हो गया है तो ओके, नहीं हुआ है तो सेम ये प्रोसेस. जब तक उसका डेटा ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हो जाता, मींस जब तक वो कंप्लीट डेटा रीड नहीं कर लेता आईओ डिवाइस में से और मेमोरी में डेटा राइट नहीं कर लेता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा. सो हम ये कह सकते हैं कि इन प्रोग्राम डाइवो क्या होता है. इन प्रोग्राम डाइवो, दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीपीयू मेक्स अ रिक्वेस्ट. सीपीयू सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा एंड देन CPU stays in program loop. ठीक है, एक बार रिक्वेस्ट करने के बाद CPU क्या है, प्रोग्राम लूप में आ गया, कंटिन्यूसली उसका स्टेटस चेक करेगा. इस प्रोग्राम लूप को हम कहते हैं पोलिंग. ठीक है, पोलिंग कहेंगे इस मेथड को. दिस मेथड इज कॉल्ड पोलिंग. अंटिल कब तक ये पोलिंग चलती है? अंटिल द आईओ डिवाइस indicates that it is ready for data transfer.
ठीक है। सो ये पोलिंग प्रोसेस है, इसकी वजह से क्या होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है और सीपीयू दूसरा टास्क कुछ परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा है, वो यही बिजी है आईओ डिवाइस का स्टेटस चेक करने में कि कब आईओ डिवाइस रेडी हो और वो उससे डेटा ट्रांसफर परफॉर्म करे। तो इसकी तो आईओ क्या हो रहा है, आईओ कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई एक्शन टेक एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है कि वो सीपीयू को इन्फॉर्म कर दे कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया है और देन आप डेटा ट्रांसफर परफॉर्म करिए। नो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी अपने तरफ से एक सिग्नल नहीं दे रहा है वो डिवाइस, या इंटरप्ट नहीं दे रहा है उसको सीपीयू को बताने के लिए कि मैं रेडी हो गया हूँ। सीपीयू को खुद सेल्फ टेस्टिंग करनी है, सेल्फ चेकिंग करनी है आईओ इंटरफेस के स्टेटस रजिस्टर की, कि कब स्टेटस रजिस्टर के थ्रू इंडिकेशन मिले कि वो रेडी हो गया है और वो उसके साथ डेटा ट्रांसफर कर सके। सो वी कैन से यहाँ पे द आईओ डिवाइसेस टेक्स नो फर्दर एक्शन, द आईओ डिवाइसेस टेक्स नो फर्दर एक्शन टू अलर्ट द सीपीयू। तो सीपीयू को अलर्ट करने के लिए कोई भी फर्दर एक्शन नहीं ले रहा, मीन्स इट डज नॉट इंटरप्ट द सीपीयू। इसी से आप इसका डिसएडवांटेज भी निकाल सकते हैं ना। इसका डिसएडवांटेज क्या, व्हाट इज इट डिसएडवांटेज, बिकॉज सीपीयू कंटिन्यूसली वेट कर रहा है आईओ डिवाइसेस के लिए और दूसरा टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस सिंस इट कीप्स सीपीयू बिजी नीडलेसली। सीपीयू को नीडलेसली ये बिजी रख रहा है। सो यही इस मेथड का ड्रॉबैक है और इसे अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है इंटरप्ट फैसिलिटी। ठीक है, सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम इंटरप्ट फैसिलिटी कैन बी यूज्ड। नाउ इसी तरीके से हम पोलिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं ना। व्हाट इज पोलिंग, व्हेन सीपीयू कंटिन्यूअसली चेक्स द डिवाइस टू सी इफ इट इज रेडी, देन दिस मेथड इज कॉल्ड पोलिंग एंड इट्स टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। दैट्स वाई इसकी बजाय हम इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ को प्रेफर करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।